परमेश्वर का धन्यवाद, हालेलुया। कितनों का परमेश्वर के संग एनकाउंटर हुआ है यहां पर? कितने हैं जिनका एनकाउंटर हुआ है? हालेलुया। सबका हुआ, आप समझ नहीं रहे। पहली बार परमेश्वर ने आपको कहां मिला था, कैसे मिला था, कैसे आपका जीवन चेंज हुआ? प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे जीवन आपका चेंज हुआ? क्योंकि वो जो पहला प्यार था, वो जो पहला पल था जब यीशु ने आपको छुआ, किसी ना किसी रूप में, वचन के रूप में, ये किसी दर्शन के रूप में, स्वप्न के द्वारा, या खुद उसने बात की, कैसे परमेश्वर ने आपको चुना? या आपके अंदर से कुछ निकला और आपने महसूस किया कि परमेश्वर के सामर्थ्य को? हालेलुया। वो पहला एनकाउंटर जरूरी है, वो हर एक के संग होता है। किसी के संग डायरेक्ट होता है, मुझे परमेश्वर ने आवाज दी थी, मैंने परमेश्वर की आवाज सुनी थी। मैं आपको सच कह रहा हूं, वो पल मेरे लिए बहुत अच्छा था, आज भी मुझे वो आवाज याद है। हालेलुया। तो एनकाउंटर क्या है, परमेश्वर से मिलना क्या है, और परमेश्वर से मिलने को याद करना क्या है? प्रेज द लॉर्ड। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा, हालेलुया। उत्पत्ति 35 का अध्याय पढ़िए, उत्पत्ति 35, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा मैं आपके लिए पढ़ूंगा। तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, उठ बैतल को जा और वहीं रहे, और वहां परमेश्वर के लिए, जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई एसाव से डरकर भागा जा रहा था, एक वेदी बना। इसका इतिहास मैं आपको बताता हूं। याकूब जो कि इसहाक का पुत्र था, हालेलुया, उसने अपने भाई एसाव को धोखा दिया और वो लाबान के पास चला गया शादी करने के लिए, और वहां पर 20 साल रहा। वहां पर उसने शादी की लिया और राहिल से, उसके 13 बच्चे हुए, हालेलुया, जिसमें 12 लड़के और एक लड़की, हालेलुया। और किस तरीके से वो लाबान के यहाँ से छोड़ के आया, और परमेश्वर ने कहा तू जा अपने घर जा, लेकिन वो अपने घर नहीं गया। मैं आपको संक्षिप्त में बता रहा हूँ, वो अपने घर नहीं गया, वो शेकेम चला गया अपनी इच्छा से। और जब शेकेम गया वहां पर, तो वहां पर उसकी बेटी दीना का बलात्कार हो गया, उसका बलात्कार हो गया, और वहां पर राहेल भी थी, उसका बलात्कार हुआ। और जब बलात्कार हुआ तो इन्होंने रिवेंज लेना चाहा, इनके बच्चों ने, क्योंकि 12 बच्चे थे, भाई थे, उन्होंने रिवेंज लेना चाहा। प्रेज द लॉर्ड। और उसमें से 2 भाइयों ने खून किया, शेकेम के जो राजकुमार था, उसका राजा था, और उसके जितने भी लोग थे, उनका खून किया, उनसे झूठ बोला कि अगर तुम खतना कराओगे तो हम तुम्हें अपनी बहनें दिया करेंगे और तुम्हारी हमने बच्चियां लिया करेंगे। लेकिन उनको धोखा देकर जब वो खतना उन्होंने कराने की विधि से गए, तो वो कमजोर हो गए, लहू बह रहा था, और उन्होंने उनको मार दिया। अब आप देखिए कि यहां पर याकूब फंस गया। याकूब जो परमेश्वर का चुना हुआ था, याकूब जब बैतल में गया था तो उसने देखी थी स्वर्ग की सीढ़ियां, देखी थी स्वप्न में, उसने देखा था कि सीढ़ियां खुली हुई हैं, स्वर्गदूत आ रहे हैं और स्वर्गदूत जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। उसने परमेश्वर की वाणी सुनी थी, परमेश्वर ने कहा था, अगर उत्पत्ति 28:15 में हम देखेंगे तो परमेश्वर ने कहा, तो तू जा, मैं तेरे साथ हूं, और जहां तू रहेगा वहां मैं तेरी रक्षा करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यहां पर क्या हुआ? यहां पर एसाव के डर से शेकेम चला गया, परमेश्वर की योजना के मुताबिक नहीं गया, और वहां पर उसने जब गया तो उसकी बहन का बलात्कार हो गया, और वहां पर उसके जो बच्चे थे वो हत्यारे बन गए, जिनके गोत्र से वो वंश चलाने वाला है। हालेलुया। लेवी और शमौन हत्यारे बन गए। प्रेज़ द लॉर्ड। अब यहां पर परमेश्वर कहता है, तू क्या कर रहा है? हमारे जीवन में कई बार आता है, हम मसीह हैं, 8 साल से, 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से हम प्रभु को जानते हैं, लेकिन हमसे कोई ऐसा घटना घट जाती है, हम पीछे हट जाते हैं, हम किसी आजमाइश में फंस जाते हैं, हम कुछ गलत कर बैठते हैं। हालेलुया। अपना दर्शन खो देते हैं, सत्य खो देते हैं, मार्ग खो देते हैं, उस जीवन की आशा खो देते हैं, और हम गलत कर बैठते हैं। एक ही रास्ता है, वेदी बना।
परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा, तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, उठ बैतल को जा और वहीं रहे। प्रेज द लॉर्ड। बैतल को जा, क्यों? क्योंकि वहां मैं तुझसे मिला था, वहां मैंने एनकाउंटर किया था, वहां मैं तुझसे मिला था, कुश्ती लड़ी थी, मैंने तुझे बल दिया था, मैंने तुझे आशीष दिया था, मैंने तुझे नाम दिया था, वहां जा। याकूब भूल गया था। याकूब क्यों भूल गया था? क्योंकि राहेल के पास मूर्तियां थी, उसको लाबान से कंगन मिल गए थे, उसके पास सोना था। क्यों भूल गया था? क्योंकि उसका सोना था, उसके पास भेड़ बकरियां हो गई थी, वो अमीर आदमी बन गया था, इसलिए परमेश्वर को भूल गया था वो। आपके जीवन में ये होता है, जरा सी आशीष मिलती है हम भूल जाते हैं, हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, उस वेदी को भूल जाते हैं जो हमारे जीवन में हमने बनाई थी, उस पहले प्यार को भूल जाते हैं जो परमेश्वर का था, भूल जाते हैं हम। जरा सी आशीष हमें मिलती है, जरा सा संसार का आशीष हमको मिलता है, हम भूल जाते हैं। हमारा बैंक बैलेंस बढ़ता है, हम भूल जाते हैं। जरा सी बुद्धि मिलती है, हम भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि शेकेम में जहां पर याकूब था वहां पर मूर्तियां थी, और जब मूर्तियां थी तो वहां संगति अच्छी नहीं थी। आप क्यों प्रभु को याद नहीं कर पाते मेरे भाई? आप क्यों परमेश्वर के डर से दूर हो जाते हैं? परमेश्वर का भय आपके अंदर से कब दूर होता है? जब आपकी संगति बुरी होती है। आपकी संगति जब बुरी होगी तो आप परमेश्वर के भय से दूर हो जाएंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा, उठ यहां से, उठ इस संगति से, उठ इन रास्तों से, उठ इन गलत लोगों के बीच में से, उठ और बैतल जा जहां मैंने तुझे दर्शन दिया था, जहां मैंने तुझे बल दिया था, जहां मैंने तुझे मार्ग दिखाया था, जहां मैंने तुझे स्वर्ग दिखाया था, वहां जा। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। हम बैतल से उठकर शेकेम क्यों जाते हैं? हम बैतल को छोड़कर शेकेम में क्यों जा रहे हैं? आप प्रभु के धार्मिक, आप प्रभु के नगर को छोड़कर, उसके घर को छोड़कर संसार में वापस क्यों जा रहे हैं? हालेलुया। क्या मिला याकूब को? उसकी बेटी चली गई, उसकी इज्जत चली गई, बदनाम हो गया वो, जो परमेश्वर का आधार था, जो परमेश्वर ने उसके लिए योजना बनाई थी, उस योजना के अधूरी उसने काम किया। क्या मिला? मैं आपसे पूछता हूं मेरे भाई मेरी बहन, आप बैथल को छोड़कर शेकेम में जा रहे हैं, आप संसार में जा रहे हैं, आपको क्या मिल रहा है? अंधकार? आपके बच्चे आपसे दूर हो रहे हैं? आपकी पवित्रता जो परमेश्वर ने आपको दिया है वो आपसे दूर हो रही है? उसकी धार्मिकता आपसे दूर हो रही है? आप क्या पा रहे हैं? हम क्यों जा रहे हैं शेकेम? क्योंकि बैतल हमें याद नहीं है, हम बैतल को भूल गए हैं, हम पहले एनकाउंटर को भूल गए हैं, हम पहले प्यार को भूल गए हैं, जब पहली बार यीशु मसीह ने हमको दर्शन दिया था, जब पहली बार यीशु मसीह ने मेरा जीवन बदला था, जब पहली बार यीशु मसीह ने कहा था, मैं तेरा हूं और मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। यस, उस एहसास को भूल गए हम। क्यों हम शेकेम जा रहे हैं? क्यों हम संसार में जा रहे हैं? बैथल से बढ़कर कुछ नहीं है, बैतलम से बढ़कर कुछ नहीं है। बैतलम में ही जीवन है, बैतलम में ही सुख है, बैतलम में ही स्वर्ग है, बैतलम में ही परमेश्वर है, परमेश्वर का घर है बैतलम। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए वो क्या कहता है? तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, उठ बैतल को जा और वहीं रहे, और वहां परमेश्वर के लिए जिसने तुझे
उस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई एसाव से डरकर भागा जा रहा था एक वेदी बना। अगर आपको याद होगा 33वां 34वां अध्याय जब मैंने पढ़ाया था किस तरीके से याकूब डर रहा था जब उसके सेवकों ने आके बताया कि तेरा भाई एसाव 400 लोगों को लेकर आ रहा है। डर गया, वो डर गया कि मेरा भाई 400 लोगों को लेकर आ रहा है। क्यों डर गया? क्योंकि उसने 20 साल पहले अपने भाई के संग धोखा किया था, उसके पहले उठेपन को खा लिया था, उसकी आशीषों को छीन लिया था। आप क्यों डरते हैं? पता है आप क्यों डरते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने भी किसी का धोखा दिया है, कहीं ना कहीं आपने भी छीना है, आपने भी अपने भाई का हक छीना है, आपने भी अपनी बहन का हक छीना है, आपने भी अपनी पत्नी का हक छीना है, आपने भी अपने पति का हक छीना है। कहीं ना कहीं हम ईमानदार नहीं है। आप अपने पति के साथ ईमानदार नहीं है, आप अपनी पत्नी के संग ईमानदार नहीं है, बच्चे मां बाप के संग ईमानदार नहीं है। क्यों संसार आपके अंदर से नहीं जा रहा है? क्योंकि आप ईमानदार नहीं है। कोई ना कोई झूठ आपके अंदर है जो अपनी मां से छुपाते हैं, कोई ना कोई झूठ आपके अंदर है जो अपने पिता से छुपाते हैं। क्यों? क्यों? आपको पता है ये जो झूठ आप छुपाते हैं ये आपको बैतलम से शेकेम लेके जाता है, प्रभु के घर से संसार की ओर लेके जाता है। मेरे भाई, परमेश्वर ने आपको बैतलम के लिए बनाया है। बैतलम में याकूब को दर्शन दिया था उस स्वर्ग का, बैतलम में परमेश्वर ने दर्शन दिया था, उसको बल दिया था जब वो डर गया था, जब उसने अपनी बीवी बच्चों को आगे भेज दिया, एक पड़ाव में दूसरी बीवी, तीसरी बीवी, मैं बच जाऊं। वही पहाड़ था, वही बैतलम था जहां पर परमेश्वर का दूत यीशु मसीह आकर याकूब से कुश्ती लड़ता है, याकूब से कुश्ती लड़ता है। परमेश्वर, परमेश्वर का दूत। और आपको पता है वो जान पूछ के हार जाता है। क्यों हार जाता है? जैसे कभी कभी पिता हार जाता है, कभी कभी पिता अपने बच्चे को खुश करने के लिए बेवकूफ बन जाता है, उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए चुप रह जाता है, सहता है। परमेश्वर ने कुश्ती लड़ी और उसको जिताया और उसका नाम इज़राइल रखा। इज़राइल क्यों रखा? क्योंकि तू मनुष्य और परमेश्वर दोनों से लड़कर जीता है। उसको बताया कि तू परमेश्वर का चुना हुआ है, कोई भी युद्ध तुझे हरा नहीं सकता, तू जा, तू अपने भाई से युद्ध में हारेगा नहीं, जीतेगा। हालेलुया। यही तो बैतलहम हमें सिखाता है। बैतलहम हमें क्या सिखाता है? बैतलहम परमेश्वर का घर हमें क्या सिखाता है? ईमानदारी के संग जीत, सच्चे मार्ग पर चल, ज्योति में रह, अंधकार से दूर हो, सच्चाई के संग लड़, वेदी बना। और शेकेम हमें क्या सिखाता है? हत्या कर, बुराई कर, झूठ बोल और भाग जा। फर्क है, यही संसार है और यही प्रभु का घर है। यहां पर दोनों चीजें आपको मिलती हैं। शेकेम जो कि संसार है हमें क्या सिखाता है? झूठ बोलना। हमें क्या सिखाता है शेकेम? हत्या करना, हत्या करना, छीनना। यही तो संसार सिखाता है। और संसार में क्या सीखते हैं आप? कई हमारे मित्र बिजनेसमैन हैं और क्या कहते हैं, अरे झूठ नहीं बोलेंगे तो कैसे खाएंगे? किस लिए झूठ बोल रहे हैं? दो रोटी के लिए? वो तो परमेश्वर यूं ही आपको दे देगा। उसने 40 साल तक अपने बच्चों को मन्ना खिलाया था, स्वर्ग से बरसा दी थी रोटियां, रोज बरसाता था। रोटी की चिंता है आपको?
रोटी के लिए झूठ बोलते हैं आप, रोटी के लिए आप शेकेम में रहेंगे, रोटी के लिए आप बैथलम से भागे हुए हैं। चिंता मत करिए, आपको यूं ही मिल जाएगी रोटी, सिर्फ उसके बन जाइए। बैथलम को वापस आइए, आपको रोटी मिल जाएगी। यस, बैथलम में वापस आइए, आपको रोटी मिल जाएगी। आप कहां पर शेकेम में है? याकूब को परमेश्वर ने कहा तू कहां है, उठ और बैथलम में जा जहां तेरा परमेश्वर तुझसे मिला था। भूल गया? हम क्यों भूल जाते हैं पहला प्यार? हम क्यों भूल जाते हैं पहला एनकाउंटर? आपको पता पहला एनकाउंटर क्या है? आपको पता है परमेश्वर ने आपको कैसे बचाया है, कैसे छुड़ाया है? आपको पता है? सिर्फ चर्च आना ही प्रभु को पाना नहीं है। चर्च कैसे प्रभु आपको लेकर आया, आपको पता है? मैं आपको बताता हूं। भजन संहिता 40 का 2 पढ़िए। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे से और दलदल के कीच में से उबारा। उसने, आप कहां थे पहले? आपको पता है आप कहां थे? दलदल, सत्यानाश के गड्ढे में थे। आपका जीवन सत्यानाश हो रहा था। होंगे आप अपने बंगले में, हो सकता है, हो सकता है इसी के नीचे ही बैठे हों, आप पंखे के नीचे बैठे हों, लेकिन आपको तो नहीं पता था कि आप सत्यानाश के गड्ढे में थे। आप मूर्तियों से जकड़े हुए थे, बंधे हुए थे, संसार के कब्जे, शैतान के कब्जे में थे आप। आपको नहीं पता, इसीलिए रात दिन कराते थे आप, रात दिन आप व्याकुल थे, आप रोते थे कि मेरा क्या होगा, कुछ नहीं दिख रहा था, अंधकार ही अंधकार था, कहां जाऊं, कहां माथा टेकूं, किसके सामने गुहार लगाऊं, कौन है? किसी ने नहीं बताया कौन है। एक आवाज आई, मैं हूं। हालेलुया। आप सत्यानाश के गड्ढे में थे, ये थी आपकी पहचान, ये थी आपकी पहचान। आप सत्यानाश के गड्ढे में थे। वो लड़की कहां थी? सत्यानाश के गड्ढे में थी, जिसका अंत क्या था। आप सोचिए, अगर आप कलीसिया नहीं आते तो कुछ नहीं होता। सत्यानाश के गड्ढे में थे। आगे, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा। और दलदल की कीचड़ में से निकाला। आप समझते हैं दलदल? दलदल में जाने का मतलब समझते हैं? रोज आप फंस रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, रोज आप अंदर जा रहे हैं। आपको नहीं पता है कि परमेश्वर पहली बार आपको कहां मिला था, यीशु पहली बार आपको कहां मिला था, जब आप सत्यानाश के गड्ढे में थे, जब आप दलदल की कीचड़ में से थे, वहां से उसने उठाया आपको, अपने लहू से शुद्ध किया और चट्टान पर स्थिर कर दिया। हेलो, अरे आपको चिल्लाना चाहिए, कहां थे आप? वो पहली मुलाकात भूल गए आप, वो पहला एनकाउंटर भूल गए आप कि कहां से परमेश्वर ने आपको निकाला। इसलिए आप बार बार शेकेम जा रहे हैं, इसलिए बार बार आप संसार में जा रहे हैं। भूल गया था याकूब कि परमेश्वर ने उसे कैसे बचाया था। परमेश्वर याद दिला रहा है, उठ बैथलम को जा, बैथलम को जा और वेदी बना, ताकि तुझे याद आए कि मैंने तुझे क्या कहा था, ताकि तुझे याद आए कि किस तरीके से यीशु के लहू से मैंने तुझे शुद्ध किया था, ताकि तुझे याद आए कि किस तरीके से मैंने तुझे धोकर शुद्ध कर पत्थर पर, चट्टान पर खड़ा कर दिया था। हालेलुया। आप भूल गए? आप उस वेदी को भूल गए? उस अंकट को भूल गए? जब तो यीशु नहीं था पहले आपकी क्या दशा थी? मैं नहीं बोला हूं, मुझे पता है, मैं
बहुत ही मुश्किल में था, रोज दारू पीता था, 100-200 रुपए में मेरे पास नहीं होते थे। मेरी बीवी झूठ बोलकर अपने पड़ोसियों से 100-200 रुपए लेकर आती थी ताकि मैं शाम को दारू पी लूं। मेरा मकान कर्जे में था, मैं रोज तड़पता था। मेरा बच्चा जब दूसरों के खिलौने देखता था और मैं नहीं ले पाता था, मैं तड़पता था, लेकिन कुछ नहीं कर सकता था। मैं आवाज लगाता था कि कौन है, गुरुद्वारे गया, मंदिर गया, कहां नहीं गया मैं। एक दिन मेरी मुलाकात यीशु से हुई और उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे से निकाला। मैं आपको सच बताऊं, अगर आज यीशु नहीं होता ना, तो मैं किसी एक चौल में एक शराबी की नाई जिंदगी गुजार रहा होता और मेरा बच्चा कहीं जेब कतरा बन गया होता। मैं कभी नहीं भूल सकता हूं उस एनकाउंटर को, कभी मत भूलिए। एक एल्बम बनाने की इच्छा, परमेश्वर ने मुझे गीत दिए थे, मैं ऐसे चलता था और गीत बोलता था। ना मैं लिरिक्स, ना मैं गीतकार हूं, ना मैं म्यूजिक डायरेक्टर हूं, ना मैं गायक हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। लेकिन जब मैं बोल गाता था, सुबह निकलता था और गीत गाता रहता था। ऐसे कई गीत मुझे मिले और किसी ने कहा एल्बम बनाइए। मेरे एल्बम के पैसे नहीं थे, मेरी बहन से मैंने पैसे मांगे, उसने मुझे दिए पैसा, 1,00,000 रुपए दिया उसने, मेरी बहन ने, और मैंने एल्बम बनाई। जिन भाइयों को मैंने अरेंजर को लिया, उन्होंने मुझे धोखा दिया। पहला दिन मुझे रिकॉर्डिंग का याद है, जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था और कोई पास्टर आ रहा था, मैं उनको छोड़ने जा रहा था, तो एसी से धूप में जा रहा था, धूप से एसी में आ रहा था, मेरी आवाज़ बैठ गई। और जब मैं गाना गाने के लिए सामने आया माइक पे, तो वहाँ के जो अरेंजर थे मेरा मजाक उड़ाने लगे, क्या कर रहे हैं आप, बेसुरा गा रहे हैं आप, किसने कहा आपको एल्बम बनाने के लिए, क्यों हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मेरा पैसा। मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कोई आश नहीं थी। मैंने अपनी बीवी से कहा क्या करूं मैं, और पैकअप किया, सेकंड डे मिलने का वादा किया, सुबह 9 बजे आइएगा, और सुबह 9 बजे देखते हैं। रात को घर गया वापस, मुझे नहीं पता था कैसे प्रार्थना करनी है। मैंने घुटने टेके प्रार्थना की कि प्रभु मैं क्या करूं, मुझे आवाज दे, मुझे सुर दे, मुझे बता। लक्ष्मी किचन में काम कर रही थी और मैं ड्राइंग रूम में प्रार्थना कर रहा था घुटने टेक कर, और मैं रो रहा था। तभी एक आवाज आई, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। वो आवाज आज तक गूंजती है मेरे कानों में। मैंने लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी मुझे किसी ने कुछ कहा है, कोई तो है यहां पर, कौन है जिसने बोला है मत डर? लक्ष्मी ने कहा, अरे नहीं, तुम बहुत टेंशन में हो इसलिए तुम्हें लग रहा होगा अपनी आवाज। मैंने कहा, नहीं नहीं लक्ष्मी, किसी ने कहा है मुझे, कोई है, मुझे नहीं पता था वो यीशु था जिसने मुझे उस समय दलदल की कीचड़ में से निकाला था। मुझे नहीं था पता कि मेरे प्रभु ने मुझे चट्टान पर खड़ा कर दिया है। मेरे भाई मेरी बहन, जब मैं सुबह 9 बजे वहां पर रिकॉर्डिंग के लिए गया, मुझे नहीं पता था मैं गा रहा हूं और वो लोग तालियां बजा रहे हैं कि क्या आवाज है, क्या सुर निकल रहा है। वो पहला एनकाउंटर था मेरा जब यीशु मुझे मिला। प्रेज द लॉर्ड। उस एनकाउंटर को कभी मत भूलिए, प्रभु से मिलन को कभी मत भूलिए जो पहली बार आपके संग हुआ था। वही है आपका सामर्थ्य, वही है आपकी शक्ति। पैसा बहुत आ जाएगा मेरे भाई, मकान बहुत आ जाएंगे, गाड़ियां बहुत आ जाएंगे, लेकिन वो पहला एनकाउंटर नहीं आएगा। उस पहले एनकाउंटर को अपने जीवन से मत जाने दीजिए।
उसको याद रखियो, पहला चमत्कार वो पहला परमेश्वर से एकाकार, उसकी आवाज का सुनना, उसको देखना और उसके लिए मरना, उसके लिए चलना। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए याकूब को परमेश्वर ने कहा जा जा, जहां पर मैं तुझसे मिला था वहां जा और वेदी बना। प्रेज द लॉर्ड, वेदी बना। अगर आप वेदी बनाना भूल गए, मैं आपको सच कह रहा हूं, वेदी बनाइए आज ही घर जाकर, यहां पर घुटने टेकिए, उस पहले चमत्कार को, उस पहले अंगीकार को, उस पहले एनकाउंटर को याद करिए जहां पहली बार यीशु आपसे मिला था, जहां पहली बार यीशु आपसे मिला था। वही आपका सामर्थ है, वही आपका बल है, वही आपकी शक्ति है, वही आपका जीवन है। अगर आप भटक गए ना मेरे भाई मेरी बहन, जाइए जाइए। अगर आपको लगता है कि मुझे रास्ता भूल गया हूं, मैं भटक गया हूं, अभी प्रार्थना नहीं होती है, अभी वचन पढ़ता हूं वचन समझ में नहीं आता है, मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, वहीं जाइए जहां पहली बार यीशु आपसे मिला था, जहां पहली बार आपने महसूस किया था यस यीशु है, जब पहली बार आपने महसूस किया था कि यीशु ही है सर्वदाता, यीशु ही प्रभु है, ये पहली बार आपने महसूस किया था, उस चीज को याद करिए, उस जगह को याद करिए, उस जगह को अपना बना लीजिए, उसमें जीवन शुरू करिए। हालेलुया। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। इस पर याकूब ने अपने घराने से और उनसे भी जो उसके साथ थे कहा, तुम्हारे बीच में जो अन्य जातियों के देवताओं की मूर्तियां हैं उन्हें निकाल फेंको और अपने आप को शुद्ध करो और अपने कपड़े बदल लो। आपको वापस जाना है, आपको वापस उस चमत् उस एनकाउंटर के पास जाना है, आपको वापस यीशु मसीह के पास जाना है, आपको यीशु मसीह का वो एहसास चाहिए, अपनी मूर्तियों को निकालिए। अब तक जो आपने मूर्तियां बना ली हैं, आपकी मूर्ति पता क्या है, आपकी नौकरी आपकी मूर्ति बन गई है। आज आप अपनी नौकरी को ज्यादा अहमियत देते हैं, परमेश्वर को कम अहमियत देते हैं। आपकी नौकरी आपकी मूर्ति बन गई है, आपका बैंक बैलेंस आपकी मूर्ति बन गई है, आपकी खूबसूरती आपकी मूर्ति बन गई है, आपको अगर वेदी बनानी है, अगर आपको उस एनकाउंटर को फिर से अपने जीवन में जीना है, उस मूर्तियों को निकालिए और कपड़े बदलिए। उसने क्या कहा है, कपड़े बदलो। हालेलुया। संसार की पोशाक निकालिए, संसार के रंग बिरंगे पोशाक निकालिए। यस, आपकी खूबसूरती प्रभु में है, आपकी खूबसूरती कपड़ों में नहीं है। हालेलुया। आपकी खूबसूरती मेकअप में नहीं है, आपकी खूबसूरती जो जैसा परमेश्वर ने स्वरूप दिया है उसमें है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप वेदी बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी मूर्तियों को अपने पास से निकालना पड़ेगा, अपने अहम को निकालना पड़ेगा और अपने कपड़ों को बदलना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये तीन चीजें करनी पड़ेंगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसके बाद वो क्या कहता है, और आओ हम वहां से बैतलम को जाएं, वहां मैं परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा, उसने संकट के दिन मुझे उत्तर दिया और वहां जहां कहीं भी मैं गया वो मेरे साथ रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस उस सफर को अंगीकार करिए जब पहली बार यीशु मसीह आपसे मिला था, और अब तक के सफर को याद किया करिए। भूलिए मत कि जब मैं पहली बार चर्च जाया करती थी, जब पहली बार मैं यीशु से मिली थी, तब से लेकर अब तक के सफर को हमेशा याद रखिए। वही आपकी शक्ति है, वही आपको बल देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आप बल चाहते हैं मेरे भाई मेरी बहन, अगर आप परमेश्वर का सामर्थ अपने जीवन में देखना चाहते हैं, उस पहले प्यार को, उस पहले आशीष को कभी मत भूलिए।
रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 2:4-5 पढ़ेंगे। हालेलुया। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, इसीलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। आमीन। क्या कहता है यीशु आज की कलीसिया को? कहता है कि तूने पहला प्रेम छोड़ दिया है। पहला प्रेम याद करिए, महसूस करिए, आपका पहला प्रेम क्या था जब आप पहली बार यीशु से मिले थे, जब आपके पास कुछ नहीं था, जब आप कुछ नहीं थे, सिर्फ प्रभु का प्रेम आपकी शक्ति था। उस प्रेम को याद करिए, उस प्रेम को याद करिए। बाइबल कहती है, वचन कहता है, तू याद कर कि तू कहां से गिरा है, तू क्यों गिरा है, क्यों मैं पहला प्रेम भूल गया हूं, क्यों मैं पहला प्रेम भूल गया हूं यीशु का। इतना मुझे यीशु ने आशीष दिया और मैं चंद पैसों के लिए यीशु का प्रेम भूल गया हूं, वो पहला प्रेम मैं भूल गया हूं। प्रेज द लॉर्ड। अपने पिता का प्रेम, अपनी मां का प्रेम भूल गया हूं मैं। हेलो, कैसे भूल गया हूं, क्यों भूल गया हूं? वचन कहता है याद कर और मोड़। अगर मेरे पहले प्रेम को भूलने में मेरी नौकरी है, नहीं चाहिए ऐसी नौकरी, नहीं चाहिए ऐसा पैसा, नहीं चाहिए ऐसा बैंक बैलेंस, नहीं चाहिए मुझे ऐसी कार जो मुझे पहला प्रेम भूल जाए मुझसे, जिस प्रेम की मैं आज भी गवाही देता हूं कि जब यीशु मसीह मिला था तो मैं क्या था, जब यीशु मसीह नहीं था, जब मिला तो क्या क्या मुझे हुआ, और मैं उसी को भूल गया हूं। हेलो, मैं इतना स्वार्थी हूं, मैं इतना घमंडी हो गया हूं, मैं इतना लालची हो गया हूं कि मैं अपने उस प्रेम को भूल गया हूं जिस प्रेम की वजह से यीशु मसीह ने मुझे सत्यानाश के गड्ढे में से निकाला था, दलदल की कीचड़ में से मुझे निकाला था, उस प्रेम को मैं भूल जाऊं? नहीं मेरे भाई, मैं आपको सच कह रहा हूं, यीशु मसीह आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है। अगर हम उसके अनुसार नहीं चलेंगे, मैं सच कह रहा हूं, आप नहीं चलेंगे, आप यहीं रह जाएंगे, फिर कुछ नहीं होगा, फिर आप कितना भी रोएंगे, कितना भी चिल्लाएंगे, कुछ नहीं होगा। यीशु कहेगा, मैं नहीं जानता हूं तुम लोग कौन हो, मैं नहीं। फिर आप वो 5 कुंवारी जैसे बेवकूफ कुंवारियां थी, बिना तेल के घूम रही थी वो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बिना तेल के मत घूमिए, बिना तेल के कलीसिया में मत आइए, बिना तेल के संसार में मत जाइए, अपना तेल लेकर जाइए, अपना तेल लेके जाइए। अगर आपके पास अपना तेल होगा ना, तो आप पहले प्यार को नहीं भूलेंगे। अगर आपके पास पहला प्रेम, संसार में भी अगर आपके पास पहला वो तेल होगा, तो आप संसार को नहीं भूलेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उन्होंने अन्य जातियों के देवताओं की मूर्तियां जो उसके पास थी और अपने अपने कानों के कुंडल याकूब को दे दिए, और याकूब ने उनको उस बांज वृक्ष के नीचे गाड़ दिया जो शेकेम में है। हालेलुया। अगर आप वो वेदी बनाना चाहते हैं, अगर आप उस वेदी के अंदर आना चाहते हैं, अगर वो पहला एनकाउंटर, वो पहला जो आपका यीशु का अंगीकार था, अगर आप उस मिलन में रहना चाहते हैं, तो आपको अपने संसार के गहने उतारने पड़ेंगे। संसार के गहने उतारने का मतलब क्या है? अपने अहम को उतारना, क्योंकि जो संसार से मिला है उसने हमें घमंड दे दिया है, वो हमारे अंदर घमंड लेकर आ गया है कि मैं इतना पैसा कमा सकता हूं, इतनी तो श्योरिटी है मेरे पास, घमंड नहीं। हालेलुया। अगर आपको वेदी बनानी है अपनी, मेरे भाई मेरी बहन, उस घमंड को निकालिए, दबा दीजिए,
शेकेम में ही दबा दीजिए। याकूब में, याकूब ने उन कुंडल को, उन सोने के कुंडल को शेकेम में दबाया और वहां से दबा कर वो बैथलम को गया। प्रेज़ द लॉर्ड। बैथलम लेकर नहीं आया वो। अगर आपको वेदी बनानी है आपको बैथलम वचन के अनुसार ही आना पड़ेगा। अगर आपको प्रभु चाहिए तो संसार में सब कुछ छोड़कर आपको बैथलम में आना पड़ेगा। यस, तभी बैथलम में आप वेदी बना सकते हैं। और जैसे ही उसने शेकेम में सारे अपने अहम, अपने ईगो, अपने घमंड, अपना स्वार्थ, अपना गलत व्यवहार जैसे ही उसने बो दिया, पांचवा क्या कहता है, जब उन्होंने वहां से कूच किया, पांचवा पढ़ो बेटे अपने आपके वचन में 35 का पांचवा, तब उन्होंने कूच किया और उनके चारों ओर के नगर निवासियों के मन में परमेश्वर की ओर से ऐसा भय समा गया कि उन्होंने याकूब के पुत्रों का पीछा न किया। आमेन। हेलो, क्या किया था इन्होंने शेकेम में? अपने दुश्मन बना लिए थे, हत्याएं की थी, लेकिन जैसे ही इन्होंने शेकेम में सब कुछ गंवा दिया, सब कुछ गाड़ दिया, अपना अहम, अपने आप को पवित्र किया, मूर्तियों को निकाला, अहम को निकाला, उसी तरह परमेश्वर उसके सामने खड़ा हो गया। हालेलुया। उसी पल परमेश्वर खड़ा हो गया सामने। परमेश्वर आपकी आड़ बन जाएगा जब आप शेकेम से बैतलम की ओर आएंगे, फिर संसार कोई आपके पीछे नहीं आ पाएगा। हिम्मत करिए शेकेम से बैतलम आने के लिए। यस, परमेश्वर ने उनको उनके मन में, उनके दुश्मनों के मन में डर डाल दिया। आपके दुश्मनों से बचाने वाला कौन है? परमेश्वर। आपको कर्जों से चुकाने वाला कौन है? परमेश्वर। अगर आप कर्जे में हैं, आपको कर्जों से उतारने वाला कौन है? परमेश्वर। लेकिन आपको संसार से बैतलम में आना पड़ेगा। आपको संसार का सब कुछ त्यागना पड़ेगा। आप बैतलम में आएंगे, आपके कर्जों मुक्त हो जाएंगे। परमेश्वर आपको कर्जों से मुक्त करेगा, परमेश्वर आपको आजाद करेगा, लेकिन आपको बैतलम में आना है। आपको बैतलम में आना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और क्या किया उसने बैतलम में? नवा पढ़िए, नवा और दसवां। फिर याकूब ने पद्दन अराम से लौटने के बाद परमेश्वर ने दूसरी बार उसको दर्शन देकर आशीष दी। परमेश्वर ने उससे कहा कि तेरा नाम याकूब है, अब से तू याकूब ना कहलाएगा परंतु तेरा नाम इज़राइल होगा। आमेन। ये तीसरी बार है जब परमेश्वर उसे बुला रहा है, बता रहा है कि तेरा नाम इज़राइल है। हालेलुया। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? नया नाम क्या आपका, पता है? जब परमेश्वर ने एनकाउंटर किया, पहली बार आपसे मुलाकात की थी, आपको एक नया नाम दिया था उसने। आपका नया नाम क्या है? हैं? इज़राइल तो वो नाम था। हमें हमारा नाम क्या है? नई सृष्टि। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियन 5:17। अभी मैं अनिल नहीं हूं, मैं नई सृष्टि हूं। हालेलुया, बोलिए, मैं नई सृष्टि हूँ। मैं नई सृष्टि हूँ। हाँ पढ़िए बेटा। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है। पुरानी बातें बीत गई हैं, अभी आप नई सृष्टि में हैं। जब आईने में देखिए तो बोलिए मैं नई सृष्टि हूं। आपको नया नाम दिया प्रभु ने, नाम याद रखिए, आप नई सृष्टि हैं। आप नहीं याद करते इसलिए पुरानी तरफ जाते हैं। आप संसार में रोज लौटते हैं, संसार को अपने संग रखते हैं आप। इसलिए यीशु बार बार आपको याद दिलाता है कि तू नई सृष्टि है, नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो नई बातें आ गई हैं। हमें किसके साथ चलना है? नई बातों के साथ। कुलुसियों 3:3, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। दूसरा पढ़ो, दूसरा, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। आमेन। आप नई सृष्टि में हैं, पृथ्वी पर की नहीं, स्वर्गीय चीजों पर ध्यान दिलाओ, ध्यान लगाओ, क्योंकि आप स्वर्गीय हैं। तीसरा पढ़ो,
क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हाँ, आपका जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा है। उस जीवन की खोज करो जो परमेश्वर के साथ है। इसलिए शेकेम से बैतलम में आपको आना पड़ेगा। जब तक आप शेकेम से बैतलम में नहीं आएंगे, तब तक आप उस जीवन को नहीं प्राप्त करेंगे, उस जीवन को देख नहीं पाएंगे। जीवन तो आपको मिल गया है, वो जीवन जो परमेश्वर में छिपा हुआ है, उस जीवन को आपको पाना है, क्योंकि वो आपका है। वो कब पाएंगे? जब आप मर चुके हैं, जब आप महसूस करेंगे कि आप शेकेम के लिए, संसार के लिए मर गए हैं। हेलो, जो आदमी मर जाता है, क्या उसको, उसकी हम चेन खींच लें उसको पता चलेगा? उसका बैग छीन लें, घड़ी निकाल लें, कुछ नहीं करेगा। उसको चुभोएं, उसको गाली दें, कुछ होगा? लेकिन आपको तो हो रहा है। कोई पड़ोसी आपको बोलता है कि अरे क्या बहन, जरा सी बात कहता है आपको चुभ जाती है, आपको अहम आता है, अरे अच्छा आप हमारी बुराई कर रही हैं। होता है कि नहीं होता है? तो इसका मतलब मरे हुए नहीं है। जब आप मरे हुए नहीं हैं, तो आप कैसे स्वर्गीय चीजों को पाएंगे, कैसे उस जीवन को पाएंगे जो परमेश्वर में आपके लिए छिपा है? उसके लिए आपको मरना पड़ेगा। यस, कोई आपको एक गाल पर थप्पड़ मारे, दूसरा गाल आगे कर दो। मत्ती 5:38 क्यों कहा हुआ है? क्योंकि आप मरे हुए हैं, माफ करो। क्यों यीशु मसीह ने सबको माफ किया क्रूस पर? कि पिता परमेश्वर इन सबको माफ कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते ही क्या कर रहे हैं। यस, नहीं जानते। हेलो, हम छोटी छोटी बातों को अपने मन में रखते हैं। हालेलुया, ईगो नहीं, ईगो हमारे अंदर जाती नहीं है। हम पाप करके पश्चाताप नहीं करते हैं, अहम में आते कि नहीं मैं पश्चाताप करूंगा, मैं अगर माफी मांगूंगा तो मैं छोटा हो जाऊंगा। बाइबल कहती है जितना आप नीचे जाएंगे परमेश्वर उतना आपको ऊंचा उठाएगा। आमेन। मनुष्यों की नजर में उठना जरूरी है या परमेश्वर की नजर में उठना? हम बोलते तो हैं, क्या हम इस पे चलते हैं? Praise the Lord। कई लोग कहते हैं कि पास्टर आपका कलीसिया बढ़ता है कम हो जाता है, बढ़ता है कम हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? मैंने कहा क्योंकि सही वचन हर एक को समझ में नहीं आते। मैं प्रॉस्पेरिटी के वचन नहीं कहता हूं कि आपका अच्छा ही होगा, आपका अच्छा ही होगा। मैं आपको आईना दिखाता हूं। हर एक किसी को आईना पसंद नहीं आता। यीशु मसीह ने आईना दिखाया था, योहन्ना 6 में उसने कहा था कि अगर तुम मेरा मांस खाओगे और तुम मेरा लहू पियोगे तभी तुम मेरे चेले हो। 70 लोग भाग गए, 70 चेले भाग गए। यीशु मसीह ने रोका, अरे रुक जाइए प्लीज, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ये मांस वो नहीं है, ये लहू ऐसा नहीं बोला। उन्होंने अपने 12 चेलों से पूछा, आपको भी जाना है? हेलो, हमें बड़ा कलीसिया नहीं चाहिए, हमें सिद्ध कलीसिया चाहिए। ऊपर मुझे जवाब देना है, मुझे सत्य बोलना है, इस बाइबल को मुझे आप तक पहुंचाना है। ये मेरा बोझ है। सही शिक्षा देना है ताकि आप शैतान के बहकावे में ना आए। हालेलुया। हो सकता है कई बात आपको बुरी लगती होंगी, हो सकता लगता हो आप कई बार के पास्टर इनडायरेक्टली वे में हमें बोल रहे हैं। हाँ, मैं आपको डायरेक्टली वे में बोल रहा हूं कि आप गलत चल रहे हैं, गलत चल रहे हैं। मैं पिता हूं, मैं आत्मिक पिता हूं, मैं आपको डूबते हुए नहीं देख सकता।
मैं आपको नरक में जाते हुए नहीं देख सकता, मैं ऐसा पिता नहीं हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे नरक जाने से बचें। हालेलुया। इसलिए जो प्रभु मुझे देता है वो मैं बोलता हूं, और मैं नहीं बोल रहा हूं, आप विश्वास करिए, पवित्र आत्मा मेरे अगुवाई करता है। आप विश्वास करिए, मैं खुद नहीं बोलता हूं, पवित्र आत्मा की अगुवाई से बोलता हूं, ये उसकी कृपा है। फिर भी अगर आपको मेरी बातें बुरी लगी हैं तो माफी चाहता हूं। हालेलुया। लेकिन मैं बोलता रहूंगा, सत्य बोलता रहूंगा, सही शिक्षा देता रहूंगा। हालेलुया। आगे पढ़ते हैं Acts 9:3-5। यहां पर एक एनकाउंटर के बारे में बताऊंगा जो पौलुस का हुआ था। अभी आप जानते हैं कि पौलुस कितना सफल परमेश्वर का चुना हुआ दास था। तकरीबन 14 पत्रियां उसने लिखी हैं बाइबल में, 14 पत्रियां, एक का नाम नहीं है, इब्रानियों 13 पत्रियां हैं जिसमें उसका नाम है। तो तकरीबन 14 पत्रियां उसने लिखी हैं, और सब एक से एक बढ़कर। अगर मैं समझता हूं ये 14 पत्रियां हमें नहीं मिलती तो हम बहुत से प्रकाशन को नहीं पा सकते थे। मैं धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर का कि पौलुस को परमेश्वर ने चुना, और पौलुस के द्वारा हमें ये पत्रियां पढ़ने को मिली, हमें वो ज्ञान मिल रहा है थोड़ा बहुत। पौलुस भी परमेश्वर से मिला था, पौलुस भी यीशु मसीह से मिला था। देखिए, उसने वेदी बनाई, उसके साथ यीशु मसीह का एनकाउंटर हुआ, और उसने एनकाउंटर की गवाही को कैसे यूज किया। हालेलुया। हमें भी कैसे यूज करना है। 9, हालेलुया, प्रेरितों का काम 9:3-5-6। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझे से कहा जाएगा। आमीन। हालेलुया। अब देखिए, ये एनकाउंटर दमिश्क में पौलुस के संग होता है। यीशु मसीह ज्योति के रूप में उसे मिलते हैं, यीशु मसीह की आवाज वो सुनता है और उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है। जिस तरीके से पौलुस का जीवन परिवर्तित हुआ, मैं विश्वास करता हूं आपका भी जीवन का परिवर्तित होना चाहिए, क्योंकि जैसे पौलुस को यीशु मसीह मिला है, हमें भी यीशु मसीह मिला है। उसका रूप अलग है, कभी वचन के द्वारा आपको परमेश्वर ने दर्शन दिया, कभी रूप के द्वारा दर्शन दिया, कभी स्वप्न के द्वारा दर्शन दिया, हालेलुया, कभी वाणी के द्वारा दर्शन दिया, लेकिन उसने दर्शन दिया। आपका जीवन यूं ही नहीं बदला है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप यूं ही कलीसिया नहीं आ रहे हैं, परमेश्वर ने आपको दर्शन दिया है। पौलुस जो कि एक विद्वान आदमी था, व्यवस्था का बहुत गुणी आदमी था, उसका जो टीचर था वो कौन था? गमलीएल। हालेलुया। उसका टीचर था गमलीएल। प्रेज़ द लॉर्ड। और उस समय जो गमलीएल के शिष्य होते थे उनमें एक खास बात जानी जाती थी, अभी तो होता ही नहीं, अभी तो हम एक एक वचन अपने बच्चों से पढ़वाते हैं। 5 किताबें जो मूसा ने लिखी थी, उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण, ये जो 5 पुस्तकें मूसा के द्वारा लिखी थी, वो 5ों पुस्तकें शिष्यों को कंठस्थ होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, तो वो शिष्य कहलाने के योग थे। आप सोचिए, आज आपको एक वचन याद नहीं है, एक वचन याद नहीं है, 5 पूरी पुस्तकें, तो यानी कि 5 पूरी पुस्तकें पौलुस को याद थी। वो एक सफल शिष्य था, लेकिन उसके पास ज्ञान नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल तो वो जानता था लेकिन समझता नहीं था। आज भी हम में से कई ऐसे भाई बहन हैं जो बाइबल को जानते तो हैं, समझते नहीं हैं। समझना जरूरी है। जब तक आप समझेंगे नहीं, तब तक वो वचन आपके जीवन में काम नहीं करेंगे। हालेलुया। तो यहां पर परमेश्वर ने, यहां पर यीशु मसीह ने उससे कहा, मैं आपके लिए दोबारा पढ़ता हूं,
तीसरा ऐसा हुआ कि यात्रा करते हुए जब वो दमिश्क के समीप पहुंचा तो सहसा आकाश से एक ज्योति उसके चारों ओर चमकी और वो भूमि पर गिर पड़ा और उसने एक आवाज ये कहते हुए सुनी, शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। क्या शाऊल यीशु मसीह को सता रहा था? किसको सता रहा था? कलीसिया को। यानी कि कलीसिया क्या है? द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, यीशु की देह है। कलीसिया यीशु की देह है, हम सब उस कलीसिया के अंग हैं। आप कहां बैठे हैं? कलीसिया यीशु की देह में बैठे हैं। आप अगर उन्नति पाना चाहते हैं तो आपको उसकी देह का अंग बना पड़ेगा। इफिसियों 5:29 पढ़िए जल्दी से। क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। हाँ, जैसे मसीह भी कलीसिया का पालन पोषण करता है। मैं आपको सच कह रहा हूं, ईमानदारी के संग कलीसिया के संग जुड़े रहिए, ईमानदारी के साथ जो परमेश्वर कहता है। अपने आप देखिए, आपके सर्विस में उन्नति होती रहेगी, आपके बिजनेस में उन्नति होती रहेगी, आपके घर में शांति बनी रहेगी। मैं आपको चैलेंज करता हूं, ईमानदारी के संग जुड़िए कलीसिया के साथ, जो प्रभु कहता है वो करिए। अपने आप आपके जीवन में काम होगा, आपके घर में काम होगा। कितने लोग महसूस करते हैं, कितने लोग परमेश्वर का आशीष अपने जीवन में अपने घर में देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहां पर वो क्या कहता है कि तू मुझे क्यों सताता है, तू मुझे क्यों सताता है। और सातवां है, हाँ छठा, परंतु उठ और नगर में जा, जो करना है वो तुझे बता दिया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले एनकाउंटर में परमेश्वर ने कहा कि जो तुझे करना है, यीशु मसीह ने कहा जो तुझे करना है बता दिया जाएगा। आप विश्वास करिए, पहले एनकाउंटर में परमेश्वर ने आपसे भी कुछ कहा था, आपसे भी कुछ कहा था कि तुझे कुछ करना है, तुझे कुछ करना है। यूं ही परमेश्वर ने आपको नहीं चुना है, यूं ही परमेश्वर ने आपके जीवन को नहीं बदला है, यूं ही परमेश्वर ने आपको दलदल की कीचड़ में से नहीं निकाला है, यही उसने आपको शुद्ध नहीं किया है, यूं ही उसने आपको चर्च में नहीं बुलाया कि आप बैठे प्रार्थना करें, उसके वचन सुने, तालियां बजाएं और घर चले जाएं। नहीं, आप उसकी देह के अंग हैं, उसकी देह के अंग हैं आप उसकी देह के अंग हैं। अगर आप उसकी देह के संग जुड़े रहेंगे तभी आप फलवंत होंगे, तभी आप फल लाएंगे। हालेलुया। तो यहां पर पौलुस उस एनकाउंटर को बताता है, और पौलुस ने, ये पहला व्यक्ति है जिसने अपने एनकाउंटर को अपना जहां जहां उपयोग किया। 22वें अध्याय में पढ़ता हूं, देखिए 22वां प्रेरितों का काम, यही उस पुस्तक है, 22:7-11। हालेलुया। जब वो जेल में था तब वो बताता है और मैं भूमि पर गिर पड़ा और एक वाणी मुझसे ये कहते हुए सुनाई पड़ी, शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। मैंने उत्तर दिया, प्रभु तू कौन है। उसने मुझसे कहा कि मैं यीशु नाज़री हूं जिसे तू सताता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जहां जहां जेल में गया वो अपने चमत्कार को, अपने एनकाउंटर को, प्रभु की सहभागिता को याद करता रहा और जीतता गया। आप क्यों हार रहे हैं अपने जीवन में? क्योंकि आप उस पहले एनकाउंटर को याद नहीं कर रहे हैं, आप उस पहले एनकाउंटर को याद नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को नहीं बताते हैं कि मुझे पहले कब यीशु मसीह मिला था, अपनी गवाही नहीं देते। देखिए 26वें अध्याय में उसने गवाही दी है, 26:12। हालेलुया। जब मैं मुख्य याचकों की अनुमति और अधिकार प्राप्त कर ले इसी धुन में दमिश्क को जा रहा था तो हे राजा, वहां पर पौलुस स्पष्टीकरण देता अग्रिप्पा राजा के सामने, तो हे राजा मैंने दोपहर के समय मार्ग में सूर्य से भी अधिक एक तेजोमय ज्योति आकाश से आती हुई देखी, जो मेरे और मेरे साथ यात्रा करने वालों के चारों ओर चमक रही थी। और जब हम भूमि पर गिर पड़े तो मुझे इब्रानी भाषा में ये वाणी सुनाई दी, शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सताता है, अंकुश की नोक पर लात मारना मेरे लिए कठिन है। मैंने कहा प्रभु तू कौन है। प्रभु ने कहा मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है, परंतु उठ और अपने पैरों पर खड़ा हो।
हालेलुया, मैंने इस अभिप्राय से तुझे दर्शन दिया है कि तुझे सेवक ठहराऊं, ना कि केवल इन बातों का जो तूने देखी हैं, बल्कि गवाह ठहराऊं, परंतु उन बातों का भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। क्यों परमेश्वर ने चुना है? ताकि वो आपको अपना गवाह बनाए। हेलो, क्यों परमेश्वर ने चुना है? ताकि वो आपको अपना गवाह बनाए। आज क्यों उसने दर्शन दिया पौलुस को कि तू मेरा गवाह है? आज क्यों परमेश्वर ने आपको चट्टान पे खड़ा किया, सत्यानाश के गड्ढे में से, दलदल के कीचड़ में से क्यों निकाला उसने? ताकि हम उसके गवाह बन जाएं। क्या हम गवाह हैं? क्या हम अपने पड़ोसी के लिए यीशु के गवाह हैं? क्या हम अपने दोस्तों के लिए यीशु के गवाह हैं? जहां हम काम करते हैं यीशु के गवाह हैं? नहीं है, क्योंकि आप डरते हैं। अरे यार, लोग क्या कहेंगे यार, मेरा बॉस क्या कहेगा, मेरी कोलीग क्या कहेगी, मेरा दोस्त क्या कहेगा यार। आप कभी इस बात को याद करते हैं कि अगर आप गवाही नहीं देंगे तो वो क्या कहेगा? हेलो, कभी नहीं सोचा कि वो क्या कहेगा? हमेशा हम सोचते हैं कि मेरा बॉस क्या कहेगा, मेरी गर्लफ्रेंड क्या बोलेगी यार यीशु मसीह के बारे में बात कर रहा, मेरा बॉस क्या बोलेगा, मेरा काम करने वाला, धंधा करने वाला क्या बोलेगा। कभी सोचिए, अगर आप सच्चे गवाह नहीं बने तो यीशु क्या सोचेगा, वो क्या कहेगा कि मैंने अपना लहू बहाया इनके लिए, मैंने अपना बलिदान किया इनके लिए। हमें उसका गवाही देनी है, हमें उसके गवाह बनने हैं। इसलिए यीशु मसीह ने हमें चुना, इसीलिए एनकाउंटर हुआ, इसीलिए परमेश्वर ने कहा तू शकम से बैतलम में जा ताकि मेरा गवाह बन, मेरा गवाह बन। आज से मैं आपसे कुछ नहीं मांगता हूं, सिर्फ उसके गवाह बनिए और उसका नाम लेने में लजाइए मत, और शुरुआत अपने घर से करिए। हम अपने घर में पीछे रह जाते हैं यार, क्या कहेंगे बच्चे, क्या कहेंगी पत्नी, क्या बोलेगी यार, कुछ भी बोले, आप नहीं जानते हैं। आपकी गवाही हो सकता है आपके परिवार को बचा ले। यस, मैं आपको सच कह रहा हूं, आप नहीं जानते परमेश्वर को, उसकी वाचा पे चलिए, उसकी वाणी पे चलिए, आपका परिवार बच जाएगा। जिस तरह आप बचे हैं, शर्मिंदगी महसूस करिए मत, करिए परमेश्वर से प्यार करिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन हमें अच्छा लगा? yes. कितना अच्छा लगा, जोर से तालियां बजाइए पिता परमेश्वर के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, यीशु मसीह के लिए। कोई बोलेगा हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर अच्छा लगा तो लोगों को बताइए, शेयर करिए, प्रभु आपको आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, हालेलुया।